नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ विवेकानंद पार्क में। विवेकानंद ने कहा था, जागो उठो और चलो। आज कुछ लोग जागे हैं, उठे हैं और चल दिए। कहाँ के लिए चले हैं, आज बात इसको लेकर। आप अपने स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे होंगे, इसका जन्म 12 जनवरी को हुआ था, लेकिन आज 2 अक्टूबर है। आज बात विवेकानंद की नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपिता बापू और शास्त्री जी की। यहाँ पर जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एक शख्स जिसको पूरा देश राष्ट्रपति के नाम से जानता है, राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, बापू। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चों ने अलग अलग ड्रेस बना के रखी, कोई अम्बेडकर बना के, कोई आप क्या बने? मैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। आप? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम लोग बने हैं यहाँ पर। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। ये आज जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोई खास वजह? आज महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है, महात्मा गांधी जी ने हमारे इस देश को आज़ाद कराया था। आज उनके रास्ते पे ये चलने के लिए और गांधीवादी जो है विचारधारा को जन जन तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक जन जागरण अभियान के माध्यम से गांधी जी की यात्रा, गांधी जी ने जिस तरीके से हमें आदर्श सिखाए थे, आज हम उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद हम यहाँ से शहर में रैली के शक्ल में भी निकलेंगे। 2 अक्टूबर पूरी दुनिया जानती है गांधी जी का जन्मदिन। आज ऐसी क्या वजह है कि गांधी जी के रास्ते को बताने के लिए हमें अलग से काम कुछ करना पड़ रहा? गांधी जी, बापू जी सत्य अहिंसा परम धर्म के पुजारी थे। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को बता के गए हैं। उस मार्ग पे हम लोगों को चलने के लिए नई जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, उस युवा पीढ़ी को बताएंगे हम लोग। सत्य अहिंसा के मार्ग पे बापू ने हमें चलना सिखाया था। हम चाहते हैं सारे लोग, देश के सारे लोग इसी रास्ते को अपनाएं। हम कुछ इसी विचारधारा के साथ, इसी सोच के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ से पदयात्रा भी निकालेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया है, और सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके आदमी ईमानदारी से जीवन जी सकता है। हम यही संदेश देना चाहते हैं। इस सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर आदमी आसानी से, बेहतर तरीके से जी सकता है, समाज में अपना बेहतर स्थान बना सकता है। जैसा कि मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहूँगा, ये 4 बच्चे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बापू, अंबेडकर की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये लोग पदयात्रा निकालेंगे। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। आज 2 अक्टूबर हर आदमी जानता है, फिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, ये ज़रूरत है भारत को जोड़ने की, युवा शक्ति के प्रदर्शन की, और युवाओं को जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उसके प्रति सजग करने की, और सरकार को ये बताने की कि आज हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था। तो मैं प्रदेश का युवा ब्रिगेड का अध्यक्ष होने के नाते बस एक छोटा सा एक समर्पण है हमारा गांधी जी के लिए, एक उनके लिए शांति मार्च है बस। गांधी जी के लिए समर्पण, गांधी जी के लिए शांति मार्च आज हम निकालने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस बात को अच्छे से समझे। ये बताइए, आज 2 अक्टूबर जैसा कि अभी आपने बताया कि हम गांधी जी के मार्ग पर चल के लोगों को उस पर प्रेरित कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। आज गांधी जी के रास्ते पर हर आदमी सत्य अहिंसा की बात कर रहा, फिर ऐसी ज़रूरत क्यों? बात की जा रही लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है, चूँकि गांधीवादी विचारधारा अभी जन जन तक पहुंचना बाकी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज गांधी जी के जन्मोत्सव के संबंध में हम लोगों ने शांति मार्च निकाल कर और ये संकल्प लेने के लिए यह कार्यक्रम छोटा सा किया है, गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कि उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। यही उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, इस समय राहुल गांधी भी एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। आज उनकी पदयात्रा का 25वां दिन है, वो इस समय कर्नाटक में मौजूद हैं। 2 अक्टूबर
तमाम लोग, जैसा कि यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की। आज 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, किस तरीके से क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश यह है कि देश में सभी लोग कहते हैं कि गांधी के आदर्श पर चलेंगे, लेकिन कांग्रेस आज गांधी के आदर्शों को लेकर के ज़्यादा मुखर है और वो चल भी रही है और उनके बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। उसी रास्ते पर हमारे नेता राहुल गांधी भी चल रहे हैं, उनके सपोर्ट में गांधी जी की जयंती में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ब्रिगेड पदयात्रा निकालेगा। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस ब्रिगेड पदयात्रा निकालेगा, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। किस तरीके से पदयात्रा निकालने जा रहे हैं आप? पदयात्रा हम लोग जो है बड़े शांतिपूर्वक निकालेंगे, शांति से मार्च निकालेंगे और यहाँ के लोगों का, बापू जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, सब लोगों का पैगाम देंगे। बाकायदे हमारे साथ सभी हमारे साथीगण हैं, बाकायदे बैनर में एक लाइन से चलेंगे, कोई भर्रेबाजी नहीं, एक लाइन लाइन से चल के गांधी जी के बताए रास्तों पर लोगों को चलने की प्रेरणा देंगे। हमारे साथ ये 4 बच्चे मौजूद हैं, बताइए, कुछ बोलिए आप। मैं क्या हूँ? कुछ भी बोलिए, इंदिरा गांधी हैं आप, आयरन लेडी कहा जाता था उनको, कुछ भी बोलिए। क्या है संदेश आपका? हमको सत्य के मार्ग में चलना है और लोगों को प्रेरित करना है, तो वो भी सत्य का साथ दें। सत्य के मार्ग पर चलना है, इंदिरा गांधी बनी, एक लड़की ने कितनी बड़ी बात कही है, इसको तमाम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। बताइए, आज बड़े खुशी का दिन है, आज सब हमारे साथ चलें या हमारे साथ रहें। जी, आज महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा के मार्ग पर चलें, कभी हिंसा न करें, और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मैं यही उपदेश देना चाहूँगा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा कभी न किया जाए। बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से ही देश पे एजुकेशन का महत्व समझ में आया है और लोग भी जानने लगे हैं महत्व। पहले उन्हें जैसे कि शिक्षा दी गई, उससे अच्छे से शिक्षा अब दी जाए, इसका अर्थ उन्होंने समझा के गया है। सत्य, अहिंसा, शिक्षा, तमाम तरीके की बातचीत ये छोटे छोटे लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार आपके स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहूँगा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनको देखिए। और आज के लिए इतना ही, अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।